हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, क्लास 12th स्टूडेंट्स, डेट आज 12 सितंबर आ गया। अब सिलेबस आगे बढ़ रहा है। टेंजेंट्स और नॉर्मल पढ़ा दिया गया था, और जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, आज टेंजेंट और नॉर्मल का तीसरा लेक्चर है। और एक चीज़ आप लोगों को क्लियर बताया गया था कि कोरोना को लेकर के सिलेबस कम हो हुआ ही आपका, नहीं भी होता तो भी टेंजेंट्स और नॉर्मल से जेई मेन्स, एनडीए, स्कूल एग्जामिनेशन, जेई एडवांस, टेंजेंट्स और नॉर्मल से क्वेश्चन सारे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अगर मैंने दो लेक्चर में आपको 8 क्वेश्चन बताया है, और आप भी अगर 8 ही क्वेश्चन बना करके बैठे हुए कि हम तेज हो गए, तो आप फेल कर जाएगा। आपके पास जो भी बुक है, आरएस अग्रवाल है तो उसका 15-20 क्वेश्चन, आरडी शर्मा है तो उसका 10-12 एग्जाम्पल, केसी सिन्हा है तो उसका 8-10 क्वेश्चन, टेंजेंट नॉर्मल में जरूर से बना करके रखना, नहीं तो दिक्कत तुमको होगा। इसमें मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा, ऐसा बहुत कम टॉपिक होता है कि ऐसा तो नहीं कि ये पढ़े और आया भी नहीं, इससे आना ही है क्वेश्चन। तो आज मैं कुछ आपको जेई मेंस का क्वेश्चन सिखाता हूँ जो कि इस टॉपिक से आया है। जैसे इस क्वेश्चन को आप लोग लिखते चलेंगे, ये जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन है। मैं वीडियो में क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, एक एक वीडियो 15 मिनट का बन जाएगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ आप लोग देखिएगा, समझने का ट्राई करिएगा। पहले क्वेश्चन लिख लो, द नॉर्मल टू द कर्व, द नॉर्मल टू द कर्व, कर्व वाई इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर एक्स प्लस सिक्स एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। मतलब एक नॉर्मल है, कर्व है, कर्व पर एक नॉर्मल बनाना है। वो जो कर्व है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ऐसा कर्व पर हम लोग जो नॉर्मल बनाएंगे, उस नॉर्मल का एक इक्वेशन आएगा। वो नॉर्मल का इक्वेशन यहां पर 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। वो जो पॉइंट, वो जो नॉर्मल का इक्वेशन निकालोगे, तुमको चेक करके बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट उस कर्व के नॉर्मल पर लाई करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कर्व जो है वो किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को। सेवेंथ क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी कर्व वाई एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करे वहां पर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक्स की वैल्यू जीरो अगर हम लोग कर्व पर अगर पुट कर दें, यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके देख लो, तो वाई की वैल्यू वन आएगी। करके आप लोग देख लें, अपने जो वीडियो को पॉज करके खुद से करके देख लो, इससे हमें वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू जीरो, क्योंकि वो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा था वाई एक्सिस को, तो एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू वन आ गई, तो हमें वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट पता चल गई, जीरो वन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। ये कर्व है वाई बराबर, इसको थोड़ा खोल लिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर एक्स प्लस सिक्स। जैसे करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन आपको करने आता है, डिफरेंशिएट करोगे तो इतना आएगा, खुद से करके देखो वीडियो को पॉज करके। 1 माइनस वाई इंटू टू एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, बट इस चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है dy by dx का एक पैसा काम नहीं है इस चैप्टर में। हमें dy by dx एट पॉइंट एक्स वन वाई वन पर काम आता है, एट पॉइंट एक्स वन वाई वन मतलब जीरो वन। तो इसमें x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू जैसे ही वन पुट करेंगे, तो dy by dx एट पॉइंट जीरो कॉमा वन m बराबर वन आ जाएगा। और dy by dx मतलब क्या हुआ, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया है। हमें पता है कि m1 into m2 बराबर माइनस वन होता है, तो वहां से हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस वन आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्लास जो हमने कर लिया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो y माइनस वाई वन, तो y1 है 1, x माइनस एक्स वन, एक्स वन है 0 बराबर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस वन। इससे हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस y बराबर 1। यही क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में पूछा जाता, या फिर हमसे केवल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तक पूछा जाता, तो आंसर यही हो जाता x प्लस y बराबर 1। लेकिन हमें पूछ रहा है वो जो नॉर्मल का इक्वेशन है, इस चार में से कौन सा पॉइंट इस नॉर्मल पर लाई करता है, ये हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, हमें ऑप्शन में से पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन अगर चेक करते हो तो माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू, इसको जोड़ने पर वन नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन को चेक करते हो, वन बाय टू, वन बाय टू, वन बाय टू प्लस वन बाय टू पे वन आ जाएगा। बी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर बी है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक्स प्लस वाई बराबर वन है। इस तरह का क्वेश्चन जेई मेंस, एडवांस, एनडी और स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। टेंजेंट नॉर्मल एक ऐसा टॉपिक है मैथ्स का और फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का, जो कि जैसा क्वेश्चन आपसे स्कूल एग्जाम में पूछा जाएगा, मोटा मोटी उसी रेंज में क्वेश्चन मेंस, एडवांस में और
एनडीए के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा, इसको आप लोग ध्यान से देख लें। जैसे फिजिक्स में आप लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, जो स्कूल लेवल पर जो क्वेश्चन है उसी रेंज पर क्वेश्चन मेंस में स्कूल एग्जाम में नीट में पूछा जाता है। पहले लेकिन बुक से ही क्वेश्चन बनाएगा आप लोग बच्चों, ठीक है। पहले जैसे कुछ बच्चों से बनने लगा टेंशन का क्वेश्चन, तो ये नहीं कि डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन कूद गए, पहले अपने आपको बिल्डअप कर लो। एनसीईआरटी हो गया है तो आर एस अग्रवाल बना लो, या डी शर्मा या कृष्णा, तीनों बनाने का जरूरत नहीं, टाइम बर्बाद होगा। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर जेई मेंस जेई एडवांस एनडीए का बना करके देखो कि तुमको कुछ आया कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन जेई मेंस 2018 का है, अभी तुम लोग मेंस 2017 का बनाए, तो अब जेई मेंस 2018 का बनाओ क्या कहता है फिर से देखते हैं। क्वेश्चन को भी लिखते चलेंगे। दो कर्व है, कल ऐसा क्वेश्चन मैं बताया था जिसमें कि वो 8k² = 1 वाला आया था, देखो देखना कॉपी में, मेजर क्वेश्चन था बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो कुछ वैसा ही है। दो कर्व है, y² = 6x, वैसे अगर प्रिसाइज बोलूं तो ये एक पैराबोला है, और दूसरा है 9x² + BY² = 16। ये b मेरे को पता नहीं है तो मैं नहीं कह सकता ये कौन सा कर्व है, तो जाने देते हैं। दो कर्व है, दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर। कल आपको सिखाया गया था कि अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, पहली बार इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, दो कर्व अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका क्लियर कट हिसाब किताब है कि दोनों कर्व का जो टेंजेंट होगा वो भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा। ये अगर आप गड़बड़ा गए तो आपका काम खराब हो जाएगा। पहले भी मैं बता चुका हूं, दो कर्व अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों कर्व का जो टेंजेंट है वो भी 90 डिग्री पर होगा, और क्योंकि बात इंटरसेक्ट का हो रहा है तो वो जो पॉइंट है PX1Y1 जिसको कहते हो वो दोनों कर्व का सेम होगा। सेम पॉइंट पर इस कर्व पर टेंजेंट बनेगा, सेम पॉइंट पर दूसरे कर्व पर टेंजेंट बनेगा। कर्व 90 डिग्री पर है तो टेंजेंट भी 90 डिग्री पर होगा, दोनों कर्व का टेंजेंट 90 डिग्री पर होगा, लेकिन वो जो पॉइंट है X1Y1 वो सेम होगा, क्योंकि दोनों कर्व जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है टेंजेंट वो वहीं से बनाना, इतना चीज को ख्याल रखना है। बाकी अगर ऐसा है तो आपको V का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, ऑप्शन दे रहा है 6, ऑप्शन दे रहा है 7/2, ऑप्शन दे रहा है 4, ऑप्शन दे रहा है 9/2। इमेज 2018 का क्वेश्चन है, तो पहला कर्व को देखते हैं। पहला कर्व है y² = 6x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy/dx = 3/y तक आ जाएगा। इस चैप्टर में बताया जा रहा है dy/dx का एक पैसे का काम नहीं है हमें, एट पॉइंट x1y1 जो p पॉइंट है वहां पर 3/y1 हो जाएगा। ये m1 हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर कर्व 1 का, ठीक है। उसी तरह से कर्व 2 है 9x² + BY² = 16, इसको डिफरेंशिएट करते हो तो dy/dx = पहुंचोगे -18x/2by तक, और यू कैन से यहां तक पहुंचोगे -9x/by तक। बट अभी आपको पता है कि dy/dx का कोई एक पैसा काम नहीं है आपको, पॉइंट x1y1, अब वो पॉइंट x1y1 सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों कर्व जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट सेम है, उस सेम पॉइंट से टेंजेंट बनेगा, तो अभी भी x1y1 पर ही निकालेंगे तो ये -9x1/by1 हो जाएगा। ये है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर कर्व 2। दो कर्व अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि दोनों कर्व का जो टेंजेंट होगा वो भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा, और दोनों का कर्व का टेंजेंट अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों टेंजेंट का स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होगा। इसको अगर तुम सॉल्व करते हो, अभी करो अपने से करना, तो यहां तक पहुंच जाओगे b/1² = 27x1, खुद से कर करके देखो, ठीक है। कर लिए, आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया, यहां पर सोचना वो जो पॉइंट है x1y1 किस पे लाई करना था, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था दोनों कर्व पर, मतलब वो जो पॉइंट x1y1 है वो दोनों कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अभी फिलहाल मैं पहले वाले कर्व के इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करवा दूं तो y1² = 6x1 ये कर सकते हैं, तो ये जहां पर हमारा y1² अटक रहा था वहां पर 6x1 पुट कर देंगे, 27x1 काट कूट करेंगे, b का वैल्यू 9/2 आ जाएगा, और ये जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करके रखिए,
तो अब हम लोग एक क्वेश्चन एटलीस्ट यही एडवांस का भी बना लेते हैं, दिस इज आईटी 2014, एक क्वेश्चन यही एडवांस 2014 का बना लेते हैं। लोग मानने के लिए रेडी नहीं रहते कि एडवांस में भी इस रेंज पे क्वेश्चन आता है, बट आया है तभी बता रहा हूँ, आया है तभी बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व y माइनस x की पावर 5 का स्क्वायर इक्वल टू x इनटू 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर एट द पॉइंट 1,3 इज डैश, दिस इज इंटीजर बिटवीन 0 से 9, इंटीजर बिटवीन 0 से 9 का आंसर आना। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब होता क्या है, dy / dx, और क्या करते हैं हम लोग, एट पॉइंट x1 y1, अभी तक इतना क्वेश्चन बना है स्कूल का, मेंस का, आरएस अग्रवाल का, एनसीईआरटी का, x1 y1 तुम निकालते थे मेहनत करके, इसमें वो भी दिया हुआ है 1,3, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस dy / dx निकालना है एट पॉइंट 1,3 पर। तो डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से आप लोगों को आता है, डिफरेंशिएशन अपने से कर लो, तो समझ लो चेन रूल है, दिस इज 2 इंटू वाई माइनस एक्स की पावर 5, फिर चेन रूल y का dy / dx, x की पावर 5 का माइनस 5 x की पावर 4 इज इक्वल टू, उधर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू v पर निकलेगा, ये u, ये v, तो x बाहर, इसका डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर बाहर, x का 1। ठीक है, इसको बढ़िया से एडजस्ट कर, बढ़िया से एडजस्ट किया मतलब यही है ये टर्म। अब रूल के हिसाब से मेरे को पहले dy / dx निकालना है एडजस्ट करके, मैं बोल रहा हूँ क्यों एडजस्ट करोगे, टाइम बर्बाद होगा, सीधा ही dy / dx एट पॉइंट 1,3 अगर निकालना है, इस पूरे में ही हम लोग पुट कर देते हैं, एट पॉइंट x का वैल्यू y, y x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, इसमें पुट करो dy / dx को छोड़ करके, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, सेट करके देखो dy / dx का वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगा, और क्योंकि तुमने 1,3 पुट किया है तो ये एक्चुअली में स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,3 पर आएगा। सॉल्व करके वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखो, इसका आंसर 8 आ जाएगा। ये जो एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, अब मैं बताने के लिए ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बता सकता हूँ, बट आपका काम रहा कि आप लोग सिंपल एनसीईआरटी तो सबको बनाना है, उसके बाद आरएस या आरडी या केसी सिन्हा का जितना एग्जाम्पल है उसको बना लो, और जिन लोगों के पास प्रीवियस ईयर की बुक है मेंस का एडवांस का, तो 10-15 साल में हर साल इससे क्वेश्चन है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए 10-15 क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको बना लो, और जो नहीं बने हो मेरे से पूछ लो। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला टॉपिक टेंजेंट से नॉर्मल खत्म हो गया, अगले क्लास से या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमम, बाकी सब तो हटा दिया गया है, कौन सा शुरू करेंगे वो अगले क्लास में देखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।